रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी If you are 18 years old now in 2024 मतलब ये बोरन 2006 hmm. तो जो लोग यार 2006 वाले 18 के हो गए हैं हाँ <laughs> उनके पेरेंट्स would have been what say 30 so 1976 बोर्न

आई से इट लाइक दिस कि वो एटीज़ और नाइन्टीज़ वाले जो हैं उनके पास अगले पाँच छः साल एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है वो ये है कि एटीज और नाइन्टीज बॉर्न वाले से आज की डेट में आप ये सुन सकते हैं कि पहले क्या होता था हमारे समय क्या होता था आज क्या हो रहा है एंड थोड़ा सा प्रडिक्शन कि आगे क्या होगा सिक्सटीज और सेवेंटीज़ वाले से आप सिर्फ ये सुन सकते हैं कि पहले क्या होता था hmm. आप आज और कल की आने वाले कल की बात उससे नहीं सुनना चाहते hmm. और जो आज 2006 वाला है उससे आप सिर्फ आज की बात सुन सकते हैं ना आप पीछे की उससे सुनना चाहते हो ना आप उसकी प्रोडिक्शन पे वैल्यू करना चाहते हो तो एट्टीज नाइनटीज वाले जो लोग हैं वो इस समय काफी वैल्यूएबल है hmm. अगले पांच छह साल एडवाइस टू टीनेजर्स नाउ जो लोग अभी ट्वेल्थ में है या जो लोग अभी टीनेजर्स uh, है जनरली क्या सोचना चाहिए करियर के बारे में अदर देन द फैक्ट दैट दैट स्किल्स नीड टू बी लाइक ऑल दी यार मेरे से, मेरे हिसाब हिसाब से से uh, इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपैंड भी करता हूँ तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि अगर आज का एटीन ईयर होल्ड था मैं आज hmm. तो आज मैं क्या कर रहा होता hmm. मैं ये बता सकता हूँ कि यार वर्ल्ड इज मच मोर ओपन जब मैं दो हजार चार पाँच छ ये चार साल थे मेरे कॉलेज के मैं इन चार सालों में जब ऑनटरप्रिनरशिप ट्राई कर रहा था तो मैं एरा डिफाइन करता हूँ जिससे कि आप ये भी समझ सको कि आज क्या डिफरेंस है सो so, जो लोग बोलते हैं कि यार आज के बच्चों के लिए बहुत आसान है हमारा तो बहुत डिफिकल्ट था चाहे वो हमसे पिछले वाले ऐसा बोलें चाहे यू you नो know, हम ऐसा बोलें गलत है आई थिंक वर्ल्ड कभी भी आसान नहीं था किसी भी जनरेशन के लिए किसी भी मोमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ईज ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड फाइट करना पड़ता है आपको वर्ल्ड डिफरेंट कैसे है मैं 2004 से 2007 के बीच में जब अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था रणवीर मैं बता सकता हूँ कि स्टार्टअप्स कूल नहीं थे स्टार्टअप्स ही नहीं होते थे एज एन एज अ वर्ड एज अ कॉइंड वर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस नहीं थी आ, अगर आ, अगर किसी हैवीली एजुकेटेड प्रोफेशनल को आप ये बताओ कि मैं कॉलेज से अभी अभी निकला हूँ और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो ऐप को ऐसी नजर से देखता था कि अच्छा अच्छा नौकरी नहीं लगी क्या प्लेसमेंट नहीं हुई मेरे साथ लेजेट ऐसा हुआ है जिसमें hmm. किसी अननोन आदमी ने मेरे को ऐसा बोला है कि ओ बेटा क्या कर रहे हो मैंने बोला अंकल मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ उन्होंने बोला ओके प्लेसमेंट नहीं हुई एंड आई लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग थैंकफुली आई वॉज डूइंग वेल इन लाइफ तो मैंने पर्सनली नहीं लिया पर मुझे उस मोमेंट ये एहसास भी हुआ कि अगर मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा था तो मैं तो मर जाता इसकी बात सुनकर क्योंकि मुझे mm -hmm. एकदम से लगता है कि क्या क्या बेजती हो रही है मेरी ऑल ऑफ दिस उस समय मुझे इस बात का एक्चुअल लेजिट डर रहता था कि कि अगर किसी को पता लग गया कि मैं कॉलेज में हूं तो वो मेरे साथ डील नहीं करेगा एंड mm -hmm. मैं उसके लिए क्या करता था मालूम मैं टेलीकॉम सेक्टर में था आज की डेट में मैं कैसे ड्रेस करता हूं टी शर्ट जीन्स मैं उस समय ड्रेस करता था शर्ट क्रिस्प Cufflinks, great watch, leather shiny shoes, jacket. I was always prim, proper, perfect, groomed. क्योंकि मुझे यह समझ आ गया था कि मैं एज नहीं छुपा सकता hmm. पर मैं बहुत सारे और ऑर्नामेंटल डिटेल्स बना सकता हूँ hmm. कि इसको ये तो लगेगा कि मैं यंग हूं hmm. पर इसको ये नहीं लगना चाहिए मैं कॉलेज में क्योंकि इसको पता लग गया तो फट जाएगा एंड आज की डेट में ये सब कूल है आज की डेट में सब चिल है इनफैक्ट अगर आप यंग हो और आप आज बाहर जाके किसी से भी कुछ भी बात करो कि मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ दिस एंड दैट एवरीबडी इज वेरी एक्सेप्टिंग दे कैन जज यू इन देर ओन हेड बट जजमेंट ये नहीं है कि आपके साथ काम नहीं करना तो मेरी एडवाइस आज की डेट में किसी भी टीनेजर को ये है कि यार फाइंड वर्क वर्क फॉर सम वन इन एनी कैपेसिटी दैट यू कैन फाइंड आप स्किल्स भी बनाओ पढ़ाई भी करो कॉलेज भी जाओ गन फॉर अ गुड कॉलेज सब कुछ ठीक है पर साथ के साथ आई थिंक हर टीनेजर को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए आज की डेट में अगर आप चौदह साल से ऊपर के हो और आपकी कोई भी स्किल वो कंटेंट राइटिंग हो सकती है वो प्रोग्रामिंग हो सकती है वो डिज़ाइनिंग हो सकती है वो रील बनाना हो सकता है सोशल मीडिया एडिटिंग हो सकती है रिसर्च uh, हो सकती है एनीथिंग आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए चाहे आप दिन के दो घंटे करो चाहे आप चार घंटे करो अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ एवरीबडी इज इन कॉलेज टुडे प्लीज़ समर्स में इंटर्नशिप नहीं करो इंटर्नशिप करो पूरा साल हॉस्टल hmm. में हो तो हॉस्टल में बैठ के काम करो घर पे हो तो घर पे बैठ के काम करो दुनिया भर में इतने स्टार्टअप्स हैं इतनी कंपनीज़ हैं टेक भी है डी टू सी भी है हर चीज़ है जाओ उनपन से मिलो उनको लिखो और उनको बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में काम करने को तैयार हूँ और काम ऐसे मत मांगो कि मैं आपकी किस्मत चमका दूंगा ये मत करो बी हम्बल अबाउट इट बोलो यार मैं सीखना चाहता हूँ आप स्टैपेंट दोगे तो भी ठीक नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है पर अगले तीन साल चार साल पाँच साल अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं अगर आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप करते हैं ये शॉर्टेस्ट वे है तीन चीजें करने का पहला अगर आपकी कोई आइडेंटिफाइड स्किल है कि मुझे डि, डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है तो ये स्किल बेहतर हो जाएगी दूसरा आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है which is a bigger problem. Which is fair ना ये zero time है, है कर, हो सकता है, मालूम चले कि यार हो सकता है तेरे को लगे कि Romantic था कि था मुझे मार्केटिंग करनी है बिल्कुल बकवास काम है, मैं <laughs> I, I don't like it, right? पर वो करने पे मालूम चलेगा mm. And तीसरा आपको असलियत में एक कटु सत्य मालूम होगा जब आप अपने से अगर आज आप इंटर्नशिप अगर आप अठारह साल के हो और आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो तो जो वहां लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो बाईस साल से तीस साल के मिलेंगे आपको जनरली hmm. राइट right? hmm. आपको एहसास होगा कि उनको भी कुछ नहीं आता hmm. आपको रियलाइज होगा कि वो oh, शेट ये चौबीस साल वाला और मैं अट्ठारह वाला वी आर फिगरिंग आउट द सेम शेट हम सेम चल रहे हैं एकदम राइट दैट विल गिव यू वन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इट विल ऑल्सो पुट थिंग्स इन परसपेक्टिव आप चौबीस साल वाले के लेवल की लर्निंग आज कर रहे हो आप अपने पीयर्स से छह साल आगे निकल जाओगे एक्सपीरियंस में इमीडिएटली सो दैट्स ओनली सबमिशन फॉर द करियर एडवाइस फॉर एन ओल्ड। मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कहना चाहूँगा आई फील कि कॉलेज डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहिए हर किसी को आ, पर एक ऐसा कॉलेज चूज करो आज के जमाने में जहां या तो एकदम प्रैक्टिकल कोचिंग मिल रही है hmm. या तो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट बहुत कम है करेक्ट

तो जुगाड़ ढूंढो यार hmm. करो करो पियो से दोस्ती फिगर <laughs> आउट करो कि रजिस्टर है uh, किसकी मोटिवेशन है जो आपकी मोटिवेशन से अलाइन हो सकती है क्योंकि भारत का प्रोफेशनल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है बॉस देखो आप अगर आप जिंदगी में ना सुन रहे हो और आप ना को लेके आ जाते हो hmm. तो ये बेवकूफी भी है और ये लग्जरी भी है mm. है ना अगर कोई आदमी मेरे को बोलता है ना कि उसने मना कर दिया तो फिर तो फिर हमने नहीं किया तो बोलता है तू बड़ा आदमी यार तो, तो, ते, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यू 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 नो हैव हैव टू टू बी रियली प्रिविलेज्ड फॉर दैट मेरे को तो ऐसी प्रिविलेज कभी एहसास ही नहीं हुई मुझे mm. तो हर समय जीने मरने का सवाल लगता है अगर mm. मुझे कुछ करना है तो आई नीड टू फिगर माई वे आउट होगा या नहीं होगा नॉन नेगोशियबल है कैसे होगा फिगर आउट करेंगे जैसे मर्जी लगे रहेंगे पर नहीं होगा तो कैसे हो सकता है ये 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 मतलब ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही नहीं हो ये लिस्ट ये में ही नहीं हो सकता ये वन ऑफ द आंसर्स है जिसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं था hmm. सबसे बड़ी गलती ये होगी कि इफ यू टेक एन एडमिशन इन अ कॉलेज विद लो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद आप चिल करने गए तो दैट्स अ फन लाइफ पर इट आई थिंक इन टूडेज डेट अ डिसएडवांटेज क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है एक पर्सनल स्टोरी बताऊँ श्योर मैं और ये बात आज भी होती होगी आई थिंक ये आई एम श्योर ये, sure ये सदियों से चल रहा होगा वेर एक फीलिंग है कॉलेज की जो बड़े लोग भी बोलते हैं विच इज वट कि कॉलेज के दिन वापस नहीं आते <laughs> कॉलेज में जो करना है कर लो जितनी मस्ती मारनी है कॉलेज में मार लो बाद में तो जिंदगी में खराबी होना है समथिंग लाइक दैट आई नेवर अंडरस्टूड दैट सेंटीमेंट वाइल आई वॉज इन कॉलेज एंड आई कैन टेल यू वन आनेक्ट मैं कॉलेज में क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से ही आई स्टार्ट माई कंपनी तो ऐसा तो नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता था जाता था uh, साक्षी से मिलने जाता था hmm. uh, uh, थोड़ा चिल करने जाता था कभी कभी क्लासेस भी अटेंड करता था uh, पर मुझे याद है कि आउट ऑफ पार्शली जेलस जेनुअन एन वी आई एम नॉट टॉकउट द बैड जेलेस राइट एक पियर्स में एक जेनुइन एन वी होती है जब आप कुछ अलग कर रहे होते हो है ना तो जबकि मेरे आस पास लोग ऐसे कोई खराब नहीं थे पर एक जनरल एन वी आपको दिखती है कभी कभी कुछ लोगों में जो समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कर रहा है ये और उनको दिख रहा होता था कि मैं भाग रहा हूँ दौड़ रहा हूँ यू नो कभी कॉलेज नहीं आ रहा हूँ पांचवा दिन नहीं आ रहा हूँ फिर दो दिन आ रहा हूँ फिर फाइल बना रहा हूँ भाग रहा हूँ ये मुझे याद है कि किसी ने एक दिन मुझे बोला कि यार ब्रो तू क्या कर रहा है मतलब ये काम तो पूरी जिंदगी करना है तू कहाँ लग गया है आ, हम लोग आज रात को क्रिकेट खेल रहे थे रात को हम पार्टी कर रहे थे तू किसी में भी नहीं था एंड आई सेड हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ यार आई इट ही सेड नहीं कॉलेज के दिन वापस नहीं आएंगे यार uh, बाद में तो सबको मेहनत करनी है ये चिल का टाइम है एंड आई कैन टेल यू ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसको बहुत स्टेटमेंट मारी पर मैं अपना एहसास बता सकता हूँ मैं उस समय मन में, में सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि चिल तो पूरी जिंदगी करना है ना उल्टा नहीं है मेहनत अभी करनी है और चिल तो पूरी जिंदगी होगा एंड आई वॉज जेनुअनली कन्फ्यूज अबाउट इट आई वॉज नॉट माचो अबाउट इट सो आई डेंट टेलेम की नहीं नहीं देखना तुम तुम एक दिन <laughs> तुम एक दिन मर रहे हो गए और मैं खुश रहेंगे बट आई फेल्ट इट आई फेल्ट इट वेरी स्ट्रांगली कि यार आई डोंट थिंक सो दिस इज हाउ इट वर्क आई थिंक ये टाइम है घिजाने का एंड बाद में चिल है और मैं ये बता सकता हूँ यार कि जिंदगी में हुआ तो यही है hmm. आ, वो लोग क्या कर रहे हैं या वो कितना घिस रहे हैं नहीं घिस रहे ये मेरा कॉमेंट नहीं है पर मैं बता सकता हूँ कि ईयर ऑन ईयर लाइफ हैज़ बीन बेटर एंड बेटर एंड बेटर बिकॉज जिंदगी की अर्ली मेहनत के कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आज मिले हैं और इसी वजह से शायद आज मैं और मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये एफर्ट्स कंपाउंड करते रहेंगे एंड लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर ईजियर नाइसर मोर फुलफिलिंग डन मीन की मेहनत कम करने की जरूरत है फुलफिलमेंट ज्यादा चाहिए जितने successes आज मिलते of all age groups, सारों ने जितनेटी टू टू ट्वेंटी बहुत मेहनत करी होती है हाँ और यार कुछ लोगों की मेहनत ना बहुत पीछे से भी चल रही होती है आपको दिखाई नहीं देती जैसे आ, कोई बच्चा आठ साल की उम्र से गिटार बजा रहा है अब आपको लग रहा है कि वो बाईस साल में क्या खतरनाक आर्टिस्ट है पर फैक्ट ये कि वो आठ साल से बजा रहा है यार वो अब अब आप उसकी आठ से बीस ये बारह साल की कंपाउंडिंग कैसे बीट करोगे कोई तरीका नहीं उसको बीट करने का पर इसका एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको बीस में होश आया है तो बत्तीस तक हो जाएगा ठीक पर अब आपको बारह से बत्तीस बीस से बत्तीस की जर्नी करनी पड़ेगी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपको बीस में होश आया वो आठ साल से बजा रहा था पर अब आपको बाईस में चाहिए कि आप उससे कंपीट कर सको एकदम सेम टर्फ पे वरना आप कोट कर दोगे ये कैसी बेवकूफ़ वाली जिद है mm -hmm. मतलब तेरे को बजाना है गिटार बजा कर mm -hmm. अगर आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो अपने फोर्टीज़ में है और वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं एंड दे लाइक यार अब तो समय निकल गया तो आई एम लाइक कि मैं तेरे को मोटिवेट नहीं करूंगा कि तू स्टार्टअप कर <laughs> तू जो कर रहा है कर अगर तू खुश हो तो बहुत बढ़िया है बट अगर तू मेरे को टाइम निकल गया की बात कर रहा है तो फैक्ट ये है कि अभी भी तू जो तू काम कर रहा है उस जॉब में भी जो भी तेरा नेक्स्ट करियर प्रोग्रेशन है उसका तेरे को ऑलरेडी पता है ना पाँच साल में ये प्रमोशन होगा अगले पाँच साल में ये होगा बिजनेस भी ऐसे ही है अगर तू आज बिजनेस शुरू कर रहा है हैव अ रोड मैप ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट टेन ईयर्स एंड बी एट इट फिगर आउट योर राशन कि पैसा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा घर कैसे चलेगा ऑल ऑफ दैट दैट्स योर जॉब बट अगर तू चाहता है कि ये तीन साल का कोई जुगाड़ बताओ कि ये स्टार्टअप करें और तीन साल में सक्सेस होकर एग्जिट हो जाए और आप सिर्फ वही वाली स्टोरी सुन रहे हो किसी की जिसने जी पैक में शुरू किया था आज 500 सौ करोड़ की कंपनी हो गई हाँ पर निन्यानवे और भी हैं जो मर गए प्रॉब्लम यह है कि आपको निन्यानवे की स्टोरी नहीं मालूम मालूम क्यों क्योंकि वो मर गए ना सुनाएगा कौन एक ही आदमी जिंदा है वो स्टोरी सुनाया जा रहा है आपको लग रहा है कि ये नॉर्म है ये नॉर्म नहीं है मैं तो ये भी नहीं मानता कि उसकी किस्मत थी कुछ लोगों की होती है पर आई डोंट थिंक सो मेरे को तो मतलब रणवीर मेरा इतना बिलीफ है काम में कि मुझे तो कोई भी आदमी लकी लगता ही नहीं है विदाउट हार्डवर्क hmm. मेरे को तो अगर कोई दिखता भी है ना कि जी ये ओवरनाइट सक्सेस है और मतलब कोई आदमी कसम खा के बोल रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस है तब भी मैं बोलता हूँ कि यार पता नहीं हो सकता है जिंदगी में पीछे कहीं से कुछ मेहनत करके आया हो विच वी डोंट नो विच वी विच वी नेवर नो अबाउट मे बी इज नॉट टेलिंग मे बी वी आर नॉट आस्किंग बट आई बिलीव कि अगर किसी को कुछ सक्सेस मिली है 99.99% नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट लोगों को बहुत मेहनत के बाद मिलती है कोई और तरीका नहीं hmm. तो ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ